हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल सो आज हम पढ़ेंगे कार्डियो सिस्टम के समरी क्विक शॉर्ट रिविजन ऑफ चैप्टर फाइव बी डी सी अनाटमी जनरल बुक का सो लेट्स गेट स्टार्ट सो कार्डियो सिस्टम सो so, जो ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यूज तक जाते हैं एंड जो टिश्यूज के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो टिश्यूज़ से ब्लड वेसल्स में ब्लड में आ जाते हैं और वहाँ से फिर वो उस अप्रोप्रिएट जगह चले जाते हैं जहाँ से उनको एक्सपेल आउट होना है या नहाँ पर वो ड्रेन हो जाएंगे ओके okay. एंड जो ब्लड uh, है ब्लड वेसल्स हैं हार्ट है ये सब कार्डियो सिस्टम के अंडर में आते हैं एंड बहुत मेन रोल प्ले करते हैं सो so, ब्लड क्या होता है कि ब्लड एक मीडियम होता है जो कि ब्लड वेसल्स में एक चैनल्स uh, होते हैं ब्लड वेसल्स ट्यूब जैसे चैनल्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो करता है एंड ब्लड में ही न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं मेटाबोलाइट्स भी होते हैं मींस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ठीक है जो जो अपनी अपनी डेस्टिनेशन में जाते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज़ में जाते हैं एंड टिश्यूज से वेस्ट प्रोडक्ट अपने पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं जहाँ से वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं ओके एंड ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है हार्ट जो कि एक सेंटर में पंपिंग ऑर्गन होता है जो कि ब्लड uh, को सर्कुलेट करवाता है ब्लड वेसल्स में एंड जिससे सर्कुलेशन मेंटेन होती है ओके okay. सो so, आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं हर्ट एंड कैपिलरीज। सो so, हर्ट हमने पढ़ा कि आ, ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करता है एंड सर्कुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड अगर आप ह्यूमंस की बात करें मींस इंसानों की बात करें तो उनमें जो हर्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है मींस उसमें चार चैम्बर्स होते हैं टू ए टू आर्टरीज एंड टू वेंट्रिकल्स ठीक है two eight, two जैसे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल ऐसे लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये प्रेजेंट होते हैं ठीक है सो so, जो आर्टरीज़ हैं वो जैसे ट्रीज की ब्रांचेज होती है ना एक मेन ट्रंक होता है उसमें से ब्रांचेस निकलती हैं देन कॉर्ड्स निकलते हैं फर्दर ब्रांचेस ठीक है सो so, उस तरह से आर्टरीज होती है एक मेन बिग आर्ट्री होती है उससे फर्दर ब्रांचेज होती हैं फिर उनकी और उनसे भी और ज़्यादा ब्रांच निकलती है इस टाइप से होती है आर्ट्रीज जिस तरह से एक ट्रीज की ब्रांचेज होती हैं एक वृक्ष की ब्रांच होती हैं उस तरह से आर्ट्रीज भी होती हैं ठीक है देन वीन्स की अगर हम बात करें तो वीन्स रिवर की तरह होती हैं छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मिल के एक बड़ी सी वेन बनाती हैं बड़ा सा समुद्र जैसे बनाती हैं उस तरह से एक बड़ी सी वेंस बनाती हैं so, सो जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं रिवर्स की तरह एंड आर्टरीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ट्रीज़ की ब्रांचेस की तरह ठीक है एंड आर्टरीज़ जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हमें पता है और वीन्स जो है वो डी ऑक्सीजनेट ब्लड टिश्यूज से ब्लड में पंप करता है हार्ट में पंप करता है ठीक है एंड आर्टरीज़ जो है वो लंग्स uh, से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लड uh, वो हार्ट के थ्रू बॉडी और टिश्यूज में देते हैं एंड कैपिलरी की बात करें सो so, जो कैपिलरीज़ हैं वो uh, छोटी छोटी बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक मीन्स कि हम उसे नेगेटाई से नहीं देख सकते बहुत छोटी होती हैं नेटवर्क होता है वेसल्स का माइक्रोस्कोपिक वेसल्स का जो कि आर्टरीज और वेंस को कनेक्ट करती हैं ठीक है सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अब ये वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं और टेस्ट्स में पूछ सकते हैं सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सो थ्री टाइप्स का मेन सर्कुलेशन होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्बनरी सर्कुलेशन और पोर्टल सर्कुलेशन सो सिस्टमिक सर्कुलेशन तो होता है कि हार्ट से पूरे सिस्टम में जा रहा है पूरे ब्लड जो है वो टिश्यूज में जा रहा है बॉडी में जा रहा है ऑर्गन्स में जा रहा है फिर बैक टू हार्ट आ रहा है मीन्स हार्ट से ही जा रहा है एंड दैन बैक टू हार्ट आ रहा है सो दिस इज सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स वो सिस्टम से होकर जो ब्लड है वो फिर हार्ट में वापस आ रहा है सो दैट इज़ सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मनरी सर्कुलेशन ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जो कि लंग्स में हो रहा है ठीक है जैसे पल्मनरी uh, जो आर्ट्री uh, है उसमें जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है मीन्स जो ऐसा खून है जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है ऐसा ब्लड वेसल्स से ब्लड जो है वो पार्मनरी मीन्स लंग्स में जा रहा है एंड फिर वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड हो के ठीक है मीन्स उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में भर के वो उस ब्लड वेसल्स को फिर वापस हार्ट में भेज रहा है सो so, ये जो पर्मनरी सर्कुलेशन हो रहा है मीन्स जो लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का उसको पर्मनरी सर्कुलेशन कह रहे हैं राइट साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है उसमें अच्छे से समझा रखा है कि जो हर्ट से ब्लड आ रहा है देन सिस्टम में जा रहा है सिस्टम से फिर वापस हर्ट में आ रहा है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोल रहे हैं एंड जितना जो सर्कुलेशन लांग्स के थ्रू हो रहा है उसको परमन सर्कुलेशन कह रहे हैं सिंपल ठीक है सो <coughs> so, एक होता है पोर्टल सर्कुलेशन तो जब सिस्टमिक सर्कुलेशन वापस हार्ट में आता है उससे पहले एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है जो कि <coughs> वीन्स जहाँ पे ड्रेन करती हैं ऐसा वो फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क होता है जिसको पोर्टल वेन बोलते हैं ठीक है जहाँ पे आ, ड्रेनेज हो रही है जब फर्स्ट टाइम जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड और आ, ये सब आ रहा है तो वहाँ पे वो ड्रेन हो रहा है एंड देन वापस वो हार्ट में जा रहा है फर्दर ड्रेन होने के लिए सो so, तो जो वो फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क है उसको बोल रहे हैं पोर्टल वेन ठीक है vein, और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है येलो से मैंने मार्क भी कर रखा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में सो आई होप आपको ये थ्री टाइप्स के सर्कुलेशन समझ आए होंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन सो अब बात करते हैं आर्टरीज़ और वीन्स की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड आमतौर पर ये पूछा भी जाता है सो so, आर्टरीज हम सबको पता है कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं मीन्स उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पर्नरी आर्ट्री क्योंकि उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वीन्स की बात करें तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है मीन्स ऐसा ब्लड जो डीऑक्सी uh, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो एक्सेप्ट एक्सेप्टनरी वेन क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है अब जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली सिचुएटेड होती है मीन्स बॉडी में डीपली होती है अंदर की तरफ और जो वीन्स होती हैं वो डीपली भी होती हैं और सुपरफिशियल भी होती हैं आर्टरीज होती हैं थिक वॉल्ड आप ऐसे डायग्राम में देख रहे होंगे कि थिक उसकी जो वॉल है वो थिक है मोटी है एंड वीन्स में जो उसकी जो दीवार है वॉल है मतलब आउटर वॉल वो थिन है पतली है फोर पॉइंट देखें तो जो बीच का ल्यूमन होता है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है वो आर्टरीज में पतला होता है एंड वीन्स में मोटा होता है वो जगह स्पेस जो होती है जिससे यहाँ से ब्लड गुजरता है वो मोटा होता है वीन्स में आर्टरीज में वॉल्स एबसेंट होती हैं एंड वीन्स में वॉल्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है वॉल्व जो हैं वो ब्लड को आ, पीछे आने से रोकती हैं ठीक है और जो आर्टरीज़ होती हैं वो रेड होती हैं कलर में एंड वेन्स जो हैं वो ब्लू होती हैं कलर में एंड आर्टरीज़ में स्पर्टी मूवमेंट होता है एंड वेन्स में स्लगिश मूवमेंट होता है ब्लड जो है आर्टरीज में वो प्रेशर के साथ मूव करता है और वेन्स में बहुत ज़्यादा कम प्रेशर में ब्लड मूव करता है क्योंकि ब्लड को ग्रेविटी के अगेंस्ट पंप करना है स की अगर हम बात करें उसमें एंड आर्टरीज uh, जो हैं वो डेथ के टाइम खाली हो जाती हैं एमटी हो जाती हैं और जो वीन्स हैं वो डेथ के टाइम फिलअप हो जाती हैं मीन्स भर जाती हैं जो आर्टरी होती है अगर आर्टरी की वॉल इंजर्ड हो जाती है या डैमेज होती है तो वहाँ से खून ऐसे निकलता है जैसे फाउंटेन में से खून निकल रहा हो और अगर वीन्स स की वॉल अगर इंजर हो जाती है तो ब्लड ऐसे वहाँ पे पूल में जैसे पानी कलेक्ट होता है ना उस तरह से वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है ठीक है आर्टरीज की वॉल इंजर होगी तो पूल की फाउंटेन की तरह निकलेगा नॉट पूल फाउंटेन की तरह निकलेगा एंड वीन्स में पूल की तरह वहाँ पे ब्लड फैल जाएगा ब्लड सप्लाई ऑफ लार्जर वेन्स इज वैसा वैसोरम लार्ज और बड़ी वीन्स की जो ब्लड सप्लाई होती है जैसे वीना कावा उसकी जो ब्लड uh, सप्लाई है वो वासा वसोरम है वहाँ से उसको ब्लड सप्लाई मिलती है फैक्टर्स हेल्पिंग इन वीनस रिटर्न वीनस रिटर्न में जो फैक्टर्स हेल्प करते हैं वो है ओवरफ्लो फ्रॉम द कैपिलरीज नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर आर्टीरियल पल्सेशन प्रेस वीनस वॉल्स प्रिवेंट्स एनी रिगर्जिटेशन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन प्रेस सो वीन्स आर्टरीज एंड मसल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं ठीक तो है, है तो जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो आर्टरीज और वीन्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिससे उनमें कॉन्ट्रैक्शन uh, होता है एंड जिससे जो फ्लो है वो बढ़ता है ठीक है ऐसी वीन्स में जो वॉल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का मीन्स जो खून है वो वापस ना जाए एंड आर्टरीज uh, भी पल्सेटाइल मूवमेंट शो करती हैं तो उसकी वजह से क्योंकि वीन्स उसके साथ ही होती हैं तो फिर वीन्स में भी पल्सेस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है ब्लड की एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब क्रिएट होता है नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर तब भी मूवमेंट होती है ठीक है एंड कैपिलरीज uh, के ओवरफ्लो होने से भी वीनास रिटर्न में हेल्प होता है अब बात करते हैं कैपिलरीज सो कैपलरीज दो टाइप्स की होती है कंटीन्यूस कैपलरीज एंड फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज और इनमें सिर्फ मेन ये डिफरेंस है कि uh, जो कंटीन्यूस कैपलरीज हैं वो टेन माइक्रोन साइज के मोलिक्यूल्स को अलाउ uh, करता है जाने के लिए और फनेस्टेटेड कैपलरीज जो हैं वो ट्वेंटी टू हंड्रेड माइक्रोन साइज के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है जाने के लिए ओके okay. एंड जो कंटिन्यूस कैपलरीज होती है वो कंटिन्यूस होती है किसी भी टिश्यू के साथ या पार्ट के साथ ठीक है साइनोसोइड्स अब साइनोसोइड्स की बात करें तो ये रिप्लेस करती हैं कैपिलरीज को कुछ ऑर्गन्स में जैसे लिवर स्प्लीन मतलब कैपिलरीज की जगह साइनसॉइड्स पाए जाते हैं कुछ ऑर्गन्स में जैसे स्प्लीन लिवर लीवर बोनमेरो सुप्रिनल ग्लैंड पैराथाइर ग्लैंड एल्क्ट्रा ये जो साइनसॉइड्स होते हैं वो बड़े होते हैं इरेगुलर होते हैं वैस्कुलर स्पेसिस होते हैं मीन ऐसे स्पेसिस जो कि वैस्कुलर हैं और पैरनकाइमा ऑर्गन के पैरनकाइमा से uh, मतलब उसके आसपास ऑर्गन्स जो भी ऑर्गन में वो प्रेजेंट है उसका पैरनकाइमा प्रेजेंट होता है एंड वो डिफ़र करते हैं कैपिलरीज से किस तरह से इस तरह से कि उनका जो ल्यूमन है वो वाइड होता है चौड़ा होता है और इरेगुलर होता है मींस Uh, कोई फिक्सड शेप नहीं होती एंड उनकी जो वॉल्स होती हैं वो तो थिन होती हैं जैसे वीन्स की होती हैं एंड इनकम्प्लीट भी हो सकती है पूरी तरीके से नहीं बनी हुई भी, भी हो सकती है एंड दीज में कनेक्ट आर्टीरियल विद वेन्यूल और वेन्यूल विद वेन्यूल और ये आर्टरीज को आर्टरीज से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वीन्स को वीन्स से कनेक्ट कर सकते हैं मतलब वेन्यूल को वेन्यूल से दीज आर द शॉर्टर यूनिट्स ऑफ वीन्स वेन्यूल इज शॉर्टर यूनिट ऑफ वीन मतलब वीन्स एक बड़ी है देन उसकी जो ब्रांचेज 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 हैं उसको ब्रांचेस की भी ब्रांचेस की भी ब्रांचेज इस तरह से उसको वेन्यूल बोलेंगे ऐसी आर को भी ये भी आ, ब्रांच है आर्टरी की वेन्यूल वन्य डिस्ट्रीब्यूटरी है वीन की सो so, अनास्ट मोसिस की बात करें तो बहुत ईजी है ये सो so, ये क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन होता है नेबरिंग वैसल्स का दो वैसल्स के बीच जब कम्युनिकेशन फॉर्म होता है ठीक है <coughs> तो उसको एनास्टमोसिस बोलते हैं एंड जब भी एनास्टमोसिस से आ, सर्कुलेशन होता है उसको बोलते हैं कोलिट्रल सर्कुलेशन सो so, एनास्टमोसिस तीन टाइप का होता है आरटीरियल एनास्टमोसिस वीनस एनास्टमोसिस एंड आरटीरोनस एनास्टमोसिस आप नाम से ही समझ सकते हैं जब आर्ट्री आर्टरी से कनेक्ट करती है कम्युनिकेट करती है तो आरटीरियल एनास्टमोसिस जब वन एक दूसरी वन से कनेक्ट करती है तो वीनस एनास्टमोसिस और जब एक आर्टरी वेन से कनेक्ट करती है तो आर्टीरोनस एनास्टमोसिस अब एंड आर्टरीज की बात करें तो ऐसी आर्टरीज जो ना ही अनास्टमोस करती हैं अपने नेबर से उसको बोलते हैं एंड आर्टरीज मतलब ऐसी आर्टरीज जो कोई कम्युनिकेशन नहीं करती बाकी आर्टरीज से मतलब नहीं जुड़ती हैं वो किसी से तो उनको बोलते हैं एंड आर्टरीज सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी एंड uh, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपने मेरी बाकी टॉपिक्स वाली वीडियोस नहीं देखी जैसे जॉइंट्स वाली वीडियोस एंड मसल्स से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो फटाफट -फड़ जाके देखिए एंड uh, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी uh, टॉपिक है जो समझ नहीं आया है या कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेक केयर बाय